नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव को निर्विरोध विधान परिषद सदस्य चुने जाने के उपरांत प्रथम आगमन को लेकर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें माननीय बलराम यादव का माल्यार्पण कर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं आए हुए अतिथियों का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर ने पुष्प गुच्छ व माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं विधान परिषद सदस्य बलराम यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आभार एवं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अतरौलिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल को आज जो सम्मान दिया है तथा उसका विश्वास किया है। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। वहीं इस मौके पर सुभाष चंद्र जायसवाल, जगदीश पांडे, विधायक आलम्बदी, लोकसभा प्रत्याशी दरोगा सरोज, विद्या चौधरी, भीम निषाद, रामदुलार राजभर, अखिलेश यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, कमला यादव, राकेश यादव, गुड्डू हरिप्रसाद दुबे, विजय सरोज, नफीस अहमद, श्याम बहादुर यादव, प्रमोद यादव, विजय यादव, कन्हैया गौड़, राजेंद्र राम, बाबूराम यादव, नरेंद्र नाथ यादव, रामपलट गुप्ता, शीतला निषाद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव विधान परिषद सदस्य बलराम यादव ने और विधान परिषद सदस्य शाह आलम और गुड्डू जवाली ने, आप सुनिए। मंत्री जी, लगातार सपा आपको सम्मान दे रही है, आज पार्टी के सबसे सीनियर लीडर भी है। 2024 में पार्टी को जिताने के लिए क्या योजना? 2024 को समाजवादी पार्टी के रांची अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं देश की महान जनता से, कि अंबेडकर साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पीडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनको जिताएं और संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। लगातार पार्टी आपको जिम्मेदारी भी दी है और इसको सम्मान भी एमएलसी भी बनाई है, तीसरी बार चौथी बार बनाई है। इसके बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आजमगढ़ की जनता और अपनी अतरौलिया की महान जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझ में जो विश्वास करके चौथी बार विधानसभा और छह बार मैं अतरौलिया से विधानसभा और चौथी बार उन्होंने मुझे विधान परिषद में भेजा है, उसके लिए मैं जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उनके विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। आप सीनियर, यहाँ के सबसे सीनियर भी हैं, आजमगढ़ की दोनों सीट को जीत के लेकर क्या तैयारियां की? निश्चित ऐसे मतों से जीतेंगे, अपने आप में रिकॉर्ड होगा। धर्मेंद्र यादव भी जीतेंगे और दरोगा सरोज भी जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये जनता की आवाज है। क्या मोदी की प्रचंड लहर जो है पीडीए रोक पाएगी? अब उनके बारे में कुछ अभी सुनना होगा तो भाषण सुनिएगा। उन्होंने देश को ठगने का, देश की जनता को ठगने का काम किया है और देश की जनता के धन को लूटने का काम। धर्मेंद्र यादव को लेकर चुनाव रणनीति क्या रहेगी आप इसके बाद? नहीं, अभी बात आप कर ही रहे थे, बाबूजी बोल ही रहे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं वो यहाँ से अच्छे बहुमत से जीत के जाएंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। पीडीए को कितना असर रहेगा चुनाव पर? अरे पीडीए आप देखिएगा, बहुत जबरदस्त करिश्मा करेगी पूरे प्रदेश में। निरोवा लगातार बयान दे रहे हैं कि धर्मेंद्र को हराने के लिए भेजा गया है, आप क्या कह रहे हैं? अब देखिए, मैं उन पर कुछ नहीं कमेंट करता किसी पे। हम इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि कहीं लड़ाई नहीं है, धर्मेंद्र जी अच्छे मार्जिन से जीते। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में आप पहली बार लड़ चुके हैं और आपकी बात सपा से जानी चली है, और उसके बाद क्या है भाजपा इस बार क्या रहेगी यहाँ पे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि यहाँ से सपा अच्छे बड़े वोटों से जीते।